नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज बांसी डिस्ट्रिक्ट बांदा में टीचर हूं और आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई 360 डिग्रीज़ में। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं एक और नए डिस्ट्रिक्ट का जो है वो टैबलेट और स्मार्टफोन का जो है पहली खेप प्राप्त हो चुकी है और जिसमें जो है वो 10,000 जो हैं वो टैबलेट और स्मार्टफोन यहाँ पर प्राप्त किए गए हैं। विधानसभा बाद विधायक हो या फिर जो भी कार्यकर्ता हैं उनके मौजूदगी में वितरण होना है। 16 अप्रैल दिन शनिवार से ये जो है वो शुरू किया जाएगा और विधानसभा वायर जो हैं वो जनप्रतिनिधियों द्वारा या फिर विधायकों की मौजूदगी में इसके जो है वितरण कार्यक्रम तैयार हो जो है होगा और इसकी तैयारी को अंतिम दौर में है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा किस डिस्ट्रिक्ट की ये बात हो रही है और किन छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सबसे पहले उस छात्र का बहुत बहुत धन्यवाद जिसने ये खबर मेरे पास भेजी है, जिसके माध्यम से मैं अपने वीडियो के द्वारा सभी छात्रों को इन्फॉर्म कर पा रहा हूँ और सभी छात्रों का इसमें लाभ होगा। तो आशा करते हैं कि आपके पास भी कोई खबर आती है तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे भेज सकते हैं और अगर आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप लोग मुझे इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं। साथ में ही आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाएं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर भी मैं आपको जरूरी चीज़ें भेजता रहता हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं कि ये कहाँ की खबर है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं खबर की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट जो है वो महाराजगंज की खबर है और महाराजगंज के छात्रों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि शनिवार मतलब 16 अप्रैल से जो है विधानसभा बार जो है वहां पर बांटा जाएगा और जो है उच्च शिक्षा 12वीं के व उच्च शिक्षा के लिए मिल रहा है वो आप सभी छात्रों को पता है। और यहां पर लिखा है कि विधानसभा चुनाव के कारण जो है स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण जो है वो बंद चल रहा था, जिसका जो वितरण है वो शनिवार से 16 अप्रैल से फिर से शुरू हो जाएगा। विधानसभा बार विधायकों और सांसद और जो है प्रबुद्ध जनों या अधिकारियों की मौजूदगी में स्मार्टफोन व टैबलेट का वितरण किया जाएगा और इसे लेकर प्रशासन तैयारी में जुट गया है। और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने 12वीं व उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों को निःशुल्क टैबलेट और स्मार्टफोन देने की घोषणा की है। और साथ में ही यहाँ पर पहले तो जो इसकी शुरुआत में 200 छात्रों को आपको पता है कि लखनऊ में जो है इकाना स्टेडियम बुला के दे दिया गया था, उसके बाद यहाँ पर एक भी छात्रों को नहीं मिला था। तो अब यहाँ पर जो है पहली खेप जो है वो 10,000 स्मार्टफोन की प्राप्ति हो चुकी है और 16 अप्रैल से इसकी जो है शुरुआत हो जाएगी और 16 अप्रैल में विधानसभा बाहर जितने भी विधानसभा हैं महाराजगंज में सभी में जो है वो विधायक या फिर सांसद या जनप्रतिनिधि द्वारा जो है वहाँ पर बुलाके और वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा। तो जो भी महाराजगंज के बच्चे हैं उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो आशा करते हैं महाराजगंज वाले बच्चे जो हैं उनके चेहरे पे खुशी की लहर आई होगी। ऐसी और भी जानकारी कई डिस्ट्रिक्ट से आ रही हैं तो वो भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से समय समय पर अवगत कराता रहूँगा और आपके पास भी कोई जानकारी आती है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं तो वहाँ के एडमिन मैं ही हूँ और मुझे आप लोग जो है भेज सकते हैं और कोई भी इन्फॉर्मेशन जैसे ही मेरे पास आती है उसको मैं वीडियो के माध्यम से सभी छात्रों को बताता हूँ तो सभी छात्रों का उसमें लाभ होता है। कहीं महाराजगंज के बच्चों को लाभ हो रहा है तो कहीं पीलीभीत के बच्चों को लाभ हो रहा है, कहीं बरेली, कहीं वाराणसी और कहीं पे बाराबंकी के छात्रों को लाभ हो रहा है और कहीं पे जो है औरैया के छात्रों में डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, लखनऊ में, गोरखपुर में, बरेली में, बलिया में, बहुत जगह जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है और जिन जगह नहीं हुआ है उन जगह भी इसकी शुरुआत है। और आप लोगों को पता है कि 100 दिनों का टारगेट है, 100 दिन में जो भी 12 लाख टैबलेट आए हैं उन सबका जो है डिस्ट्रीब्यूशन होना है तो 100 दिनों के अंदर जो 12 लाख टैबलेट हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो आपके पास जो भी खबर आती है आप मुझे भेजिए और मैं अपने चैनल के माध्यम से बताऊंगा तो सभी जो है डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को उससे लाभ होगा। आशा करते हैं आप लोग ऐसा जरूर करेंगे। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।